अजगा पर बड़े सियासतदानों की आमद। बिलावल भुट्टो जरदारी सरबराह JUI के घर पहुंचे। पीपी रहनुमा नवीद कमर और मुर्तजा वहाब भी चेयरमैन पीपल्स पार्टी के हमराह थे। सियासी सूरत हाल और मुजवजा 26वीं आइनी तरमीम के हवाले से तबादला ख्याल। मौलाना फजल रहमान साहब एक आखिरी दरख्वास्त करूंगा, अगर आप PTI को साथ लेकर आ सकते हैं तो PTI को भी साथ लेकर आए। अगर ऑपोजिशन इतने सारे कॉम्प्रोमाइजेस के बाद आज भी हमारे साथ नहीं दे सकते हैं, मजबूरन मुस्लिम लीग नवाज और उनके एक्स्ट्रा मेंबर्स के साथ मिलके ब्रूट अक्सरियत पे कानून साजी आइन साजी करना करूंगा। मैं जब इस्लामाबाद से वापस आता हूं तो आईनी बेंच और सुबाई बेंच बना के वापस आऊंगा। आईनी अदालत को बेंच का नाम दें या कोई और, लेकिन मुतालबा हमारा मानना पड़ेगा। बराबरी की अदालत बनाना पड़ेगी। सानह कारसाज के 17 बरस मुकम्मल होने पर बिलावल भुट्टो का हैदराबाद में जलसे से खिताब। कहा, अपोजिशन के साथ मिलकर आईनी तरमीम करना चाहता हूं, इसके लिए हर मुमकिन कॉम्प्रोमाइज़ किया। अपोजिशन राजी न हुई तो मजबूरन दस्तयाब अक्सरियत को साथ मिलाकर आईन साजी करना पड़ेगी। अब हम मजीद इंतज़ार और कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। इस्लामाबाद से आईनी बेंच बनाकर लौटूंगा। खुसूसी कमेटी से मंजूर शुदा आईनी तमीम का ड्राफ्ट सामने आ गया। काबीना के सदर यफ़्ज़ी आज़म को भेजी गई सिफारिशात से मुतालिक कोई अदालत नहीं पूछ सकेगी। आर्टिकल 175A में तरमीम करके जुडिशल कमीशन के अरकान की तादाद बढ़ाने की तजवीज़। सुप्रीम कोर्ट की सतह पर कम से कम 5 जजेस पर मुश्तमिल एक आईनी बेंच बनाया जाएगा। तमाम सूबों को यकसा नुमाइंदगी दी जाएगी। आर्टिकल 184 के तहत आज खुद नोटिस का इख्तियार आईनी बेंच के पास होगा। सुप्रीम कोर्ट के जजेस का तकरर जुडिशल कमीशन करेगा। चीफ जस्टिस की सरबराही में कमीशन में 4 सीनियर तरीन जजेस शामिल होंगे। वफाकी वजीर कानून और अटॉर्नी जनरल भी कमीशन के अरकान होंगे। पाकिस्तान बार काउंसिल का नामजद करदा वकील 2 साल के लिए कमीशन का रुकन होगा। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज सुबह 9:30 तलब। 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी दिए जाने का इम्कान। सेनेट का इजलास 11 बजे, कौमी असम्बली का इजलास 3:00 बजे तलब। काबीना से मंजूरी के बाद आईनी तरमीम का मसवदा दोनों ऐवानों में पेश किया जाएगा। पार्लियामेंट की खसूसी कमेटी ने आईनी तरमीम के मसवदे की मंजूरी दे दी। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा, पार्लियामानी कमेटी में कोई इख्तलाफी वोट नहीं आया, मिलजुल कर आईनी तरमीम करेंगे। BNP मेंगल के सरबराह अख्तर मेंगल अचानक रात गए दुबई से इस्लामाबाद पहुँच गए। मौलाना साहब के साथ हमारी जो मुलाकात हुई है और जो डिस्कशन हुई है, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम ऑलमोस्ट एक कंसेंसस पे पहुंच गए। हम खान साहब के साथ मुलाकात करेंगे, उनके इंस्ट्रक्शन और हिदायत के मुताबिक आगे बढ़ेंगे। आईनी तरमीम पर मौलाना के साथ मामला तकरीबन तय है। बैरिस्टर गौहर की फजल रहमान से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा, उम्मीद है आज पानी PTI से मुलाकात होगी। उनके मशवरे के मुताबिक हम अपना ऐलान करेंगे। हुकूमत की तरफ से आज 4था मसौदा मिला। हमारी मीटिंग जारी थी कि मसौदे की मंजूरी की खबर आ गई। बिलावल भुट्टो की मौलाना फजल रहमान के घर बैरिस्टर गौहर और दीगर PTI रहनुमाओं से मुलाकात। बैरिस्टर गौहर को पानी PTI से मुलाकात की यकीन दहानी कराई। हुकूमती और PTI वफूद फजल रहमान से अलग अलग मुलाकात के बाद रवाना। बानी PTI से मुलाकात की इजाज़त मिल गई। PTI रहनुमा आज सुबह अडियाला जेल जाएंगे। 5 रुकनी वक्त में बैरिस्टर गौहर, हामिद रजा, असद कैसर, सलमान अकरम राजा शामिल होंगे। बैरिस्टर अली जफर कहते हैं, बानी PTI जो कहेंगे वो करेंगे। सुनो न्यूज़ के प्रोग्राम बरक्स में गुफ्तगू करते हुए PTI रहनुमा अली मोहम्मद खान ने कहा, 26वीं आईनी तरमीम पर वोटिंग के वक्त कौमी असम्बली में PTI के 5 अरकान मौजूद होंगे। पांच अशखास डेजिग्नेट हुए हैं, इसमें एक आपका भाई आपके सामने बैठा है, दूसरे चेयरमैन बैरिस्टर गौर हैं, अपोजिशन लीडर उमर यूब साहब हैं, और हमारे चीफ व्हिप आमिर डोगर साहब मुल्तान से, और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के जनाब साहबजादा हामिद रजा साहब।
तहरीक इंसाफ को ही मखसूस नशस्तें दी जाएँ। सुप्रीम कोर्ट के अक्सरियती जजेस की एक और वजाहत जारी। जजेस की राय के मुताबिक इलेक्शन एक्ट में तरमीम से 12 जुलाई का फैसला गैर मौसर नहीं हो सकता। इस मामले पर कराची और इस्लामाबाद चैम्बर्स में समात हुई। इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त पर 8 जजेस ने दूसरी बार वजाहत जारी की। जराए के मुताबिक जजेस की वजाहत के बाद इलेक्शन कमीशन मखमसे का शिकार मुअत्तल अरकान की बहाली से मुतल्लिक किसी फैसले पर ना पहुंच सका। इलेक्शन कमीशन का मशावरत जारी रखने का फैसला। मखसूस नशस्तें हुकूमत को मिलेंगी या तहरीक इंसाफ को? चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत आम इजलास आज फिर तलब। ज़राए के मुताबिक कानूनी माहरीन ने इलेक्शन एक्ट पर अमल दरामद का मशवरा दे दिया। कहा, इलेक्शन एक्ट में तरमीम के बाद सुप्रीम कोर्ट का हुक्म गैर मौसर हो गया। पार्लियामेंट के मंजूर करदा कवानीन पर अमल दरामद हर इदारे पर लाजिम है। मुअत्तल अरकान को बहाल करना चाहिए। कानूनी माहरीन की तजावीज़ पर इलेक्शन कमीशन हतमी फैसला जारी करेगी। मुल्तान के इलाके देहली गेट आगापुरा में धमाके से मकान की छत गिर गई। खातून समेत 3 अफराद जांबहक, 3 शदीद जख्मी। पुलिस के मुताबिक 1.5 मरले के घर में आतिशबाजी का सामान बनाया जाता था। मलबे तले दबे अब मजीद अफराद को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। अमरीका में कैद डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई के लिए वजीर आजम शहबाज शरीफ का अमरीकी सदर को खत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने आगाह किया। खत में अमरीकी सदर से डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की सजा की माफ़ी की दरख्वास्त। वजीर आजम ने लिखा, आपको हमेशा पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम का दोस्त पाया। अपना आईनी इख्तियार इस्तेमाल करते हुए इंसानी बुनियादों पर आफिया सिद्दीकी की रिहाई का ऑर्डर करेंगे। मेरे साथ डॉक्टर आफिया की फैमिली और लाखों पाकिस्तानी आपकी इनायत के मंतजर हैं। फिर कुछ लोगों का ख्याल था कि ये तो गलत हो गया, ये तो तालिबान बड़े भले लोग हैं, ये तो हमें इनको वापस ला के बसाना चाहिए, ये तो बड़े गुड तालिबान हैं, ये तो हमारे भाई हैं, लाओ लाओ इनको वापस लाओ, सेटल्ड एरियाज में लाके सेटल करो। दोनों जिन्होंने किया था, दोनों साहिबान अब अपनी सजा भुगत रहे हैं। आज उन दहशत गर्दों को लाके जब वापस बसाया गया है, वो कभी बलोचिस्तान में हमले करते हैं, कभी खैबर पख्तूनख्वा में हमले करते हैं। कुछ लोगों ने तालिबान को मुल्क में बसाया, गुड और बैड तालिबान का नारा लगाया। आज खैबर पख्तूनख्वा में जो हो रहा है वो उसी का नतीजा है। वजीर इत्तला'आत अता तारड़ का सेनेट में सारे ख्याल। कहा, दहशतगर्द कभी बलोचिस्तान तो कभी खैबर पख्तूनख्वा में हमले कर रहा है। पिशावर और कोयटा में सेफ सिटी प्रोजेक्ट क्यों नहीं लगे? अता तारड़ की तकरीर के दौरान अपोजिशन का शोर शराबा। स्पीकर अय्याज सादिक ज़ेर सदारत कौमी असम्बली का इजलास। राजा परवेज अशरफ ने कहा, आइन में रिफॉर्म्स तरमीम के जरिए ही आ सकती हैं। बदकिस्मती से हम अच्छी बातों को भी सियासी इख्तलाफात की नज़र कर देते हैं।